जो कर रहे वो सही है ना? अपन को नहीं लगता कि हमें अभी बात करनी चाहिए? अपन को थोड़ा रुकना चाहिए, ये सही समय नहीं है बात करने का। सही और सच्ची बात करने का कभी कोई समय नहीं होता, और खासकर जब आप अपनों से बात कर रहे हो। अपन को नहीं लगता आपका परिवार अपन को अपनाएगा? क्या आपको विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ गलत? मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है, इसलिए कुछ गलत नहीं हो सकता। हम बड़ों का आशीर्वाद लेकर और पूरी रीति रिवाजों से शादी करेंगे। पर आपके दादाजी। झूठ नहीं बोलूंगा, मां और तत्व को मनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तत्व मुझे कभी मना नहीं कर सकता है। तुम्हें पता, घर से बाहर जाके पढ़ाई करने की परमिशन ना तो कभी पापा को मिली ना कभी चाचा जी को, कि तत्व ने सिर्फ और सिर्फ मुझे परमिशन दी। हमारे घर में अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा जाता है। जानता हूं तो तू थोड़े से स्ट्रिक्ट है, लेकिन है बहुत प्यारे और सबसे बहुत प्यार करते हैं, और खासकर मुझसे। एक बार तत्तू मान गए, बाकी सब मान जाएंगे। अपन को बहुत घबराहट हो रही है। बताइए ना। माफ करना, हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। पापा के साथ तूने राज को अपने प्यार में अंधा किया होगा, पर मैं अंधी नहीं हूं। तू कहती है ना कि राज ने तेरे जान बचाई तेरी मदद की, तो चल अब तेरी बारी। तू चाहती है ना कि राज की जिंदगी से सारी तकलीफें दूर हो जाएं, तो दूर हो जा मेरे राज से, क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बला तू है। तू पूर्णिमा, पूर्णिमा, राज की जिंदगी मांग रही हूं और उसकी हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। ये ले, तेरी हैसियत और तेरे रहन सहन से बहुत ज्यादा मोल है इसका, ले। ये आप क्या कर रहे हैं? फिजूल दिखावा मत कर,
लो इसे, निकलाओ। खरा सोना है ये, लाखों में कीमत है इसकी। एक साथ लाखों रुपए, तूने पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा और ना ही इस जन्म में देखेगी। राज को छोड़ने की बहुत बड़ी कीमत है ये। राज, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। देखो चाचा जी, मेरी बात सुनिए। चाचा जी प्लीज, मेरी बात। भाई रोको उसको। भाइयों क्या कर रहे? भाइयों भाइयों कहीं नहीं जा रहा। भाइयों राज, अरे भाइयों राज, ये लौटाने आई थी। घाट में पंडित जी मिले थे अपन को, उन्होंने जी मैंने रात से वादा किया था कि उसकी हर मुसीबत में उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, पर ये कभी नहीं सोचा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तो मैं ही आप लोगों की मुश्किल दूर कर देती हूँ राज की जिंदगी से दूर जाकर। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं दोबारा राज की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। पूर्णिमा, पूर्णिमा, राज की जिंदगी में ग्रहण लगा के बैठी है तू। काली चपा, काला साया, बुरी नजर है तू, बुरी नजर। तू चाहती है ना कि राज की जिंदगी से सारी तकलीफें दूर हो जाएं, तो दूर हो जा मेरे राज से। बेटा, तूने मेरी मौड़ी को माफ कर दिया ना, ब्याह करेगा ना मेरी मौड़ी के साथ? हाँ, इस बार है ना सीधा मंदिर ले जाकर के ब्याह कर लेना, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही ना है भाई। तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? ये सोचकर कि माई और बेटी में से कौन ज्यादा बेवकूफ है। आप प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पूर्णिमा और मेरे प्यार को अपना लीजिए। आप क्यों नहीं समझ रहे इतनी सी बात को मेरी? राज, तो राज, अरे मुरली इस्तेमाल की हुई चीजों को फेंक देता है, और तेरी छोरी ब्याह क्या थूकने लायक भी नहीं है। पर सूद समेत अपने नुकसान की भरपाई करूंगा तुझसे। अब तू उसी के साथ जाएगी जिसके साथ मैंने तेरा सौदा पक्का किया है। रास्ते में है तेरा खरीदार। यहां से भागने की सोचना भी मत। और एक बार सेठ आ गया और तुझे ले गया, फिर तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा था तूने पूर्णिमा, भेड़ के भेस में भेड़िया है ये। क्या बोली पुड़िया?